आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड कुक में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भरकर शिमला मिर्च कैसे बनाएं, और आप ज़रूर इसको ट्राई करिए घर में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, और शेयर बिल्कुल भी करना मत भूलना। मैं तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा तेल डाला है, सरसों का तेल है, गरम होने के लिए रखा है। आप तड़के के जैसे तड़का लगाएंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप इसमें तेल डाल लेना, ताकि जो आप तेल डालो ज़्यादा ना पड़े ना कम पड़े। तो इसमें थोड़े से लहसुन डाल रही हूँ मैं, पेस्ट नहीं है ये, पूरे ऐसे ही हैं साफ से डाले हैं पीस कटिंग करके। चार पोथी के लहसुन है ये, जितने चार पोथी के लहसुन होते हैं उतने डाले हैं बारीक बारीक कटिंग करके। इनको भून लूँगी, अच्छे से भून लेंगे, लाल होने तक भूनेंगे। मैं थोड़े से प्याज डाल रही हूँ, आप देख सकते हो मसाला बनाने के लिए बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं मैंने। आप हिसाब के अपने हिसाब से डाल सकते हो प्याज, मैंने यहाँ पे चार पांच प्याज डाले हैं, आप देख सकते हो। कढ़ाई इस तरफ इसलिए रखी है, इसमें मैंने मिर्चें जो होती हैं शिमला मिर्च वो भूननी है। तेल डाल दिया है इसमें मैंने थोड़ा सा, इसको गर्म होने तक रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। शिमला मिर्च डालिए चार, और ऊपर से देख सकते हो आप कटी हुई हैं ये, देख सकते हो आप मैंने कैसे काटी हुई हैं इस साइड से। इसको ऐसे ही रख दूँगी भूनने के लिए थोड़ी देर के लिए। इसके ऊपर प्लेट ढक देंगे हम, ताकि ये भून ले अंदर ही, धीमी गैस पर भूनेंगे इसको हम, ऐसे ही भूनते जाएंगे, और जब तक ये थोड़ी थोड़ी ब्लैक नहीं हो जाती जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं। हमारी मिर्चें जो है शिमला मिर्च वो अच्छे से भून रही हैं, थोड़ी लाल हो चुकी हैं ये। अब मैंने पलटी थी इनको चिमटे से और मैंने फिर से ढक दिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहें और पलटते रहें, ताकि जो मिर्चें हैं वो जले ना, लाल होए बस। जो ये भी थोड़ा सा लाल हो चुका है, आप देख सकते हो ये भी लाल हो चुका है। ये थोड़ी सी मिर्चें हैं, चार मिर्चें बारीक कटी हुई हैं। आप जितना और पसंद मिर्चें वगैरह करते हो उतनी डाल सकते हो, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसको ऐसे ही भून लूँगी अच्छे से, ये हल्का हल्का भून रहा है, ऐसे ही भूनते जाएंगे हम इनको। स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्ची पाउडर, आमचूरन एंड हल्दी स्वाद अनुसार डालें ये सब। वैसे मैंने ये सारा दो चम्मच मैंने नमक डाला है, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और हल्दी डाली है ये वाली चम्मच डाली है मैंने एक पिंच के करीब। ये थोड़ा सा पानी है, ये वाली जो होती है कोली, ये दो कोली के करीब है ये पानी जो मैंने डाला है इसमें। इसको मैं अच्छे से कर लूँगी, मिर्ची घुमा लूँगी इसके अंदर। जब तक ये पानी सूख ना जाए तब तक इसको आप भूनने दें, इस प्रकार ही जिस तरह प्रकार मैं भून रही हूँ। इस प्रकार से मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में से जो मसाला था, आप देख सकते हो मैं निकाल रही हूँ ये मसाला, ऐसे ही निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितना यमी लग रहा है ये मसाला, मुझे तो बहुत देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, आप देख सकते हो। मैंने ये निकाल लिया सारा मसाला, और मैं आपको ये बता दूं जो मैंने ये मिर्चें भून रही हूँ इसको थोड़ी देर के लिए उघाड़ के रख दें। जब ये पूरी काली हो जाए, मतलब साइड में लाल हो जाए मीनिंग, और अंदर से जब तक ये लाल नहीं होएंगी तब तक आप इसमें मसाला मत भरिए। और अब मैं ये थोड़ी उघाड़ के रखी है मैंने, और इसमें मसाला ये थोड़ी लाल हो रही है अब अंदर से, धीमी आँच पर धीमी गैस पर इसको करें ताकि ये जल ना पाए। आप देख सकते हैं मेरी मिर्चें बिल्कुल बन के तैयार हैं, ये देख सकते हो आप, अभी भी तेल गर्म है थोड़ा थोड़ा, देख सकते हो, और बिल्कुल बंद है मेरी गैस, ऑफ कर रखी है मैंने गैस। तो इस प्रकार से मेरी मिर्चें बिल्कुल बन चुकी हैं। ये मैं तेल निकाल रही हूँ जो पड़ा हुआ, ये जो तेल होता है वो निकाल लेते हैं,
हल्के से निकालें, ज़्यादा जल्दी मत कीजिए, सावधानी से। इस प्रकार से मैं सारा तेल निकाल लूँगी इसका। और मैंने बिल्कुल भन चुकी हैं मेरी मिर्चें अब, और मैं इसको भरने की तैयारी करूँगी। तेल निकाल लूँ पहले मैं, आप देख सकते हो मैं पलट चुकी हूँ। अब मैं मिर्चें इस प्रकार से भर रही हूँ, आप देख सकते हो इस प्रकार से ही मैं सारी मिर्चें भर लूँगी। ये थोड़ी अभी गर्म है तो इसको पकड़ लेना थोड़ा अच्छे से पर, और इसको ऐसे भर देंगे हम। वो तो एक कढ़ाई में पड़ी थी, उसका बस खुला मुँह था इसलिए भरोगी। इस प्रकार से मैं कढ़ाई में रख दूँगी, ऐसे ही भर लूँगी सारी खोल खोल के। अब ये सारा मैंने भर लिए मिर्चें। ये बचा हुआ मसाला थोड़ा सा एक चम्मच के करीब होगा, ये मैं इसके अंदर ऐसे गिर दूँगी इसके अंदर। और मैंने आपको दिखाया नहीं है कि मैंने तेल निकाल चुकी हूँ मैं बाहर, और ये बस मेरी मिर्चें बिल्कुल बन के तैयार हैं। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए मैंने जो आज रेसिपी बताई आपको, भरकर शिमला मिर्च बनाएं घर में।